दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेरों की दो अलग अलग प्रजाति अफ्रीकन लायन व बर्बरी लायन, इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अफ्रीकन लायन, दोस्तों वैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अफ्रीकन लायन अफ्रीका में पाए जाने वाले शेर होते हैं और यह शेरों की इस समय की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। दोस्तों आकार में काफी बड़े दिखने वाले यह शेर काफी खोखार होते हैं। अफ्रीकन लायन का वजन लगभग 220 से 240 किलोग्राम तक का होता है, वही इनकी लंबाई 3 मीटर तक की होती है। वही बात करें इनके पंजों की तो अफ्रीकन लायन के पंजे लगभग 11 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं, जिसमें 7 सेंटीमीटर तक के नाखून भी शामिल हैं। दोस्तों अफ्रीकन लायन अपने पंजों की ताकत से लगभग 180 किलोग्राम के फोर्स से हमला करते हैं। यह फोर्स इतना ज्यादा होता है जिससे कभी कभी इनके शिकार की श्वास नली भी फट जाती है। दोस्तों अफ्रीकन लायन अपने शिकार का पीछा करते हुए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। अफ्रीकन लायन ग्रुप बनाकर रहना पसंद करते हैं। इनके एक ग्रुप में 12 से 15 मेंबर होते हैं। कभी कभी तो इनकी संख्या ग्रुप में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों ज़्यादातर मादा शेर ही शिकार करती है और नर शेर ज़्यादातर आराम करना पसंद करते हैं। अफ्रीकन लायन अपने शिकार को 650 PSI की ताकत से काटते हैं, जिससे इनके शिकार की जल्दी मृत्यु हो जाती है। अफ्रीकन लायन के सिर पर बालों का आयाल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो इन्हें एक डेंजर लुक देता है। अब जानते हैं बर्बरी लायन यानी कि बब्बर शेर के बारे में। दोस्तों बर्बरी लायन ज़्यादा शिकार और उचित संरक्षण के अभाव के कारण ये दुनिया से करीबन 60 वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन बर्बरी लायन की हाइब्रिड नस्लें अभी भी इस दुनिया में मौजूद है, जो कि चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलती है। दोस्तों बर्बरी लायन एक समय में मिस्र से लेकर एटलस के पर्वतों तक पाए जाते थे, जो कि इनके राज करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। दोस्तों बर्बरी लायन के सिर पर बालों का आयाल इनकी छाती से पिछले पैरों तक हुआ करता था, जो कि अफ्रीकन लायन के मुकाबले काफी ज्यादा था। वहीं बर्बरी लायन की लंबाई 3 मीटर से 3.5 मीटर तक की होती थी। वही बात करें इनके वजन की तो इनका वजन 270 से 300 किलोग्राम तक का होता था। बर्बरी लायन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकते थे और यह अपने शिकार को 1000 PSI बाइट पोर्ट से काटते थे, जो कि अफ्रीकन शेरों के मुकाबले काफी ज्यादा हुआ करता था। दोस्तों बर्बरी लायन के पंजों की लंबाई 13 सेंटीमीटर तक की होती थी, जिसमें 6 से 8 सेंटीमीटर तक के नाखून की लंबाई होती थी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार जानकारी के साथ।